see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think. हेलो दोस्तों, कैसे हो सब आप? मैं हूँ प्रणाली और प्रणव अमेरिकन व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग आए हैं फेटविल आर्कैनसास के एयर एंड मिलिट्री म्यूज़ियम में। और इस म्यूज़ियम में जब अमेरिका जिस वॉर में इन्वॉल्व था, मींस जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1, 2 और वियतनाम वॉर, उसके फाइटर प्लेन्स ये म्यूज़ियम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर जितने भी आर्मी और एयरफोर्स के लोग वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और वियतनाम वॉर में आर्कैनसास स्टेट से इन्वॉल्व हुए थे, उनके जैकेट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। और उन्होंने जो कुछ भी चीज़ों का यूज़ उस टाइम पे किया था वो सब ये रूम में रखा हुआ है। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम प्लेन्स के पास। ओ वाओ, यहाँ पर कितने सारे प्लेन्स रखे हुए हैं, देखिए कितने सारे कलर्स के प्लेन रखे हुए हैं और छोटे छोटे भी हैं। यहाँ पर जो प्लेन्स, ये जो प्लेन्स आप देख रहे हैं ना, ये सब अलग अलग कंपनीज के हैं। मीन्स इसमें बोइंग कंपनी के प्लेन्स है, बेल के है और तो मुझे कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है, लेकिन हमारे गाइड ने हमें बताया है और कुछ मैंने विकिपीडिया से भी पढ़े थे, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो प्लेन आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ने यूज़ किया था। ऐसे यहाँ पर और प्लेन्स रखे हुए हैं जो ब्रिटिश और अमेरिकन एयरफोर्स और नेवी में यूज़ किए थे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। यहाँ पर तो बहुत बड़ा प्लेन रखा हुआ है, इसका नाम क्या है पता है आपको? इसका नाम है C-5 गैलेक्सी, जो कि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। और इसमें बड़े बड़े टैंक, हेलीकॉप्टर और मिलिट्री के ट्रक्स या फिर मिलिट्री से रिलेटेड जो भी भारी भरकम चीज़ें होती है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ये जो प्लेन आप देख रहे हैं ना, इसने अपनी आखिरी उड़ान अभी 2 मंथ्स पहले ही ली थी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिर्फ म्यूज़ियम ही नहीं है तो एक छोटा सा एयरपोर्ट भी यहाँ पे है, और लोग अपने यहाँ पे प्राइवेट जेट भी रखते हैं। और हमारे गाइड ने हमें बताया है कि यहाँ पर प्लेन बेचते भी हैं, मीन्स ये म्यूज़ियम भी है, एयरपोर्ट भी है, और यहाँ से प्लेन भी आप ख़रीद सकते हैं अगर आपको ख़रीदना है तो। Them grow, they'll learn much more.